माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। पूर्व और निर्दयी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट मीसा में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए। मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्रोडक्शन ऑफ पब्लिकेशन रिफिल एक्ट, प्रेस काउंसिल रिफिल एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनल मैटर एक्ट लाए गए। इस काले खंड में संविधान में 38वां, 79वां, 40वां, 41वां, 42वां